गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। और बारिश तो मतलब हो ही नहीं रहा, कभी होता है कभी नहीं होता। आज थोड़ा बारिश की तरह मौसम कर दिया, लेकिन बारिश तो हुआ नहीं। फिर कपड़े उपड़े घर में ही रखना पड़ा। तो पता नहीं बारिश का क्या प्रॉब्लम चल रहा है अभी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा बारिश हो गया तो बंद हो जाता है। बेटा क्लॉचर कहाँ पे था? मम्मा का क्लॉचर कहाँ पे? तो अभी एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये रेडी क्यों हूँ, तो मैं रेडी हूँ, बाबू भी रेडी है। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली तीज है मंडे को, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा जाके कुछ मतलब ख़रीदारी कर लेते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा तो तीज में मैं क्या पहनूंगी वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। ऑब्वियसली उसका ब्लाउज मैं सिलने के लिए दे दी हूँ, अभी तक ब्लाउज सिला नहीं है, तो मैं अभी तुरंत दी हूँ, मुझे संडे को देगा बोला है। तो मैं अभी ये दिया जला ली हूँ मैं, तो उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी मार्केट से। एक्चुअली देखिए कितना पसीना पसीना आ रहा है। एक्चुअली आप लोग से बात करने की वजह से ना फ़ैन बंद करी, फ़ैन ऑन भी की हूँ, तो शायद आप लोग का आवाज़ थोड़ा अच्छे से नहीं भी आ सकता है गाइस, तो इसके लिए प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और अभी इसलिए मैं थोड़ा मतलब वॉइस मेरा तेज़ में बोल रही हूँ कि आप लोग को समझ में आए क्या कि मैं बोल के आ रही हूँ। और ये मैं टीवी के ऊपर वो लगाई हूँ, क्या कहते हैं, वॉल स्टिकर लगाई हूँ। सो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ कुछ लाने के लिए, जैसे कि लहंगा के वो हाथ का सेट। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही थी, ये देखिए मैं ऐसी मार्केट जाने वाली थी। तो अभी मैं इसको खोल लूँगी, एक ये रेड वाला पहन के जाऊँगी। एक्चुअली ये वाला ना मेरे पास, ये वाला इसमें इस हाथ में टूट गया था, तो इस हाथ में तो मैं पहन ली, बट ये हाथ में मैं हर बारी में मैं छोड़ के गड़बड़ी कर रही थी। तो मैं आप लोग से बात करने के बाद ये मैं चेंज कर लूँगी। बाबू भी रेडी है, तो कुछ सामान लेना है, तीज का लेना है। हम लोग के यहाँ तीज बहुत फेमस है, आई होप आप लोग के यहाँ भी तीज होता होगा। सो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बट थोड़ा मोड़ा ही खरीदारी करना है। एक्चुअली मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, नहीं तो मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने वाली थी, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और इतना ध्यान में नहीं था कि मैं पहले से ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। जैसे मेरा जो तीज में पहनने वाली हूँ वो मैं पहले से ऑर्डर कर ली थी, तो मेरा फाइनली अच्छे टाइम पर आ गया था। और मैं ब्लाउज सिलने के लिए भी उसका दे दी हूँ, तो वो आएगा सिल के। मैं ब्लाउज़ तो आपको दिखाऊँगी, पता नहीं कैसा सिलेगा, तो वो तो आएगा उसके बाद ही बता सकते हो कैसा सिला है नहीं सिला है। और फिर मैं उसको एक सूट भी दी थी सिलने के लिए, मेरा सूट भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस, और ये देखिए बाबू मेरे पर्स में से कॉइन गिरा के, मैं पर्स रखी हूँ पर्स में से कॉइन गिरा के, और फिर कॉइन गिर रहा है। बाबू समझ में आ रहा है कितना है? आ रहा है, आ रहा है उसको समझ में। तो एक्चुअली हम लोग रेडी हो चुके हैं, राहुल जी आएंगे बस अब थोड़ी देर में, बोले तो हैं कि मैं आ रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। तो मैं सोची थोड़ा आप लोग से बात कर लेती हूँ, दो तीन दिन हो गया था मेरा ब्लॉग के। एक्चुअली बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि बाबू को जो इंजेक्शन पड़ता है ना मंथली में, वो इंजेक्शन बाबू को पड़ा था, इसकी वजह से बाबू को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। और फिर उसका इंजेक्शन जहाँ पड़ा था वहाँ भी उसको दर्द हो रहा था, इसके वजह से मैं पूरा मतलब जितना भी मेरा टाइमिंग था मैं बाबू के साथ स्पेंड कर रही थी, और मैं कोई वीडियो नहीं कर पा रही थी, ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, जबकि आप लोगों के साथ मुझे इतना कुछ शेयर करना था, लेकिन मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं सोची थी कि तीज का जो लुक है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कि तीज में कैसे हम लोग रेडी होते हैं वो मैं पहले से आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखते हैं। अभी तक तो मैं नहीं की हूँ वीडियो क्लिप उसका, लेकिन देखती हूँ अगर हो जाए तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी एक्चुअली मैं पार्लर भी जाऊँगी, बस आईब्रो सेट करवाऊँगी थोड़ा, मेरा एक्चुअली आप देख रहे हैं कि मेरा आईब्रो शेड कितना बढ़ चुका है, तो मैं थोड़ा आईब्रो भी सेट करवाऊँगी, और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ खरीदूँगी, जो भी खरीदूँगी मैं आप लोग के साथ शेयर तो ज़रूर ही करूँगी गाइज। और बाबू क्या कर रहे बेटा, क्या क्या ये देखिए क्या कर रहा है, मैं आप लोग को ना दिखाती हूँ। एक्चुअली फ़ैन का आवाज़ अभी आएगा आप लोग को, बाबू चल रहा है बोल रही हूँ, बाबू बैठा है ना, तो फ़ैन का बाबू क्या कर रहे हो। बाबू का बाल बांधती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबू का जब मैं बाल बांधती हूँ तो, लेकिन एक्चुअली ये बाल ना खोल लेता है, अभी बांधूंगी भी तो खोल लेगा, इसलिए नहीं बांधू, बाल बांधने में बहुत क्यूट लगता है ना बाबू। तो
इसके लिए भी दो तीन छोटा छोटा गार्डर मुझे लेना है जो कि इसका बाल अच्छे से हो पाए। एक्चुअली मेरे पास जो है वो थोड़ा बड़ा है तो इसकी वजह से थोड़ा इसका बाल खुल भी जाता है, ये खोलता खुल भी जाता है। सो हम लोग अभी मैं दिया जला ली थी, दिया जलाने के बाद राहुल जी आ गए थे तो फिर मैं मखाना थोड़ा फ्राई कर ली थी। मखाना फ्राई करके मखाना और मैं चाय हम लोग पी लिए, लेकिन वैसे राहुल जी का एक फ़ोन आ गया कि मतलब थोड़ा आने के लिए, तो वो थोड़ा बाहर चले गए हैं। वो 5 मिनट में बोले हम आ ही जाएंगे, तब तक मैं सोची रेडी हो जाती हूँ और रेडी हो गई हूँ, बट वो अभी तक आए नहीं है, तो मैं सोची आप लोग से बातें कर लेती हूँ और मैं जो भी लूँगी वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए गाइस, तो मैं फिर जाती हूँ, जाके आती हूँ, फिर मैं आप लोग से बातें करती हूँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आखिर मैं ले क्या रही हूँ। सो देखती हूँ, अभी तो दुर्गा पूजा भी आने वाला है, अभी तो पहले हमारा तीज आएगा, फिर दुर्गा पूजा आएगा, फिर इतना सारा फेस्टिवल अब आ ही रहा है इस मंथ के बाद, तो सब फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, बहुत इन्जॉय होता है। दीपावली होता है, फिर हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, हमारे बिहार का फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा। तो छठ पूजा है तो छठ पूजा का मैं हर एक ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। छठ पूजा में मैं अपने ससुराल जाऊँगी, मैं अपने घर में जाऊँगी, वहाँ तो वहाँ मेरी सास करती हैं छठ पूजा, तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी तो थोड़ा टाइम है छठ पूजा में, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, मैं अभी आप लोग से रुक के बातें करती हूँ, मैं पहले जा रही हूँ। मैं भी पता है मैं फिर डिनर भी नहीं बनाई हूँ, अभी पता नहीं डिनर क्या करेंगे, वहाँ से खा के आएंगे फिर यहाँ आके बनाएंगे, अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। एक्चुअली बाबू वहाँ ना बहुत परेशान करता है, किसी रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो इतना परेशान करता है ना कि बहुत इरीटेट कर देता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि देखती हूँ क्या करूँ, नहीं आने के बाद बनाऊंगी यहाँ पे, या फिर खा के आऊँगी, या फिर पैक करवा के लाऊंगी, पता नहीं है कुछ भी। अभी ऐसे मुझे तो लगता है आके बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, अभी तक राहुल जी आए नहीं हैं और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुका है, पूरे 7 बज चुका है गाइस। तो देखती हूँ भाई, मैं कुछ एक्चुअली बता नहीं सकती हूँ क्या करूँगी नहीं करूँगी। चल ठीक है गाइस, मैं आप लोग से बाद ही बात करती हूँ, फिर मैं आती हूँ मार्केट से, फिर मैं बात करती हूँ। अभी राहुल जी नहीं आए हैं, आप ये नहीं समझिए कि राहुल जी आ चुके हैं, अभी वो नहीं आए हैं, बट मुझे एक्चुअली इस ब्लॉग ये ब्लॉग में करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं अभी यही अभी मैं फिर बात करती हूँ, क्योंकि जो मैं मार्केट से भी आऊँगी लेके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं डिनर क्या करूँगी वो भी शेयर करूँगी, तो इसके ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को उतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे। तो इसलिए गाइस बाय बाय। गाइस मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और एक्चुअली इतना मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जबकि बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कुछ सामान बच ही गया था। बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान कर, मैं आपको क्या बताऊँ, इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई, लेकिन मुझे जो अपनी मतलब चाहिए था थोड़ा बहुत वो उसमें से मैं ले चुकी हूँ, बस 2-3 चीज़ें बाकी है, तो वो सब मेरे को मतलब वो तो राहुल जी भी ले आएंगे, मैं उन्हें बोल दूँगी तो वो भी ले आएंगे। तो मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ कि मैं पहले दिखाती हूँ अपना कि मैं तीज में एक्चुअली क्या ली हूँ। तो मैं ये मेहंदी ली हूँ लगाने के लिए, मेहंदी का कोन, और ये मेहंदी है, और ये मैं चूड़ा ली हूँ, एक्चुअली को प्रॉपर दिख रहा होगा ना लाइट की वजह से, तो ये चूड़ा एक्चुअली मैं ली हूँ। तो मेरे पास मेरी शादी का टाइम का चूड़ा था, जो हम लोग का जयमाला होता है उसमें मैं ली थी, लेकिन एक्चुअली वो चूड़ा का कलर ना मेरा मैरून था और मुझे तो रेड में चूड़ा चाहिए था मेरे बाला के साथ सेट करने के लिए, तो मैं ये चूड़ा ली हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा ना, तो सोचिए ये सबके साथ सेट कर जाएगा। मैं चलो एक चूड़ा ही ले लेते हैं, फिर मुझे लेना भी था क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो मुझे उसकी शादी में चूड़ा पहनना था, तो मैं सोचिए चलो यही ले लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ बताइएगा। डाबर का गुलाब जल, एक्चुअली मेरा डाला मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ था, इतना हाफ बाकी था, तो बाबू क्या किया था ना कि बाबू पूरा फेंक वेंक दिया था, तो उससे मेरा मतलब ख़त्म हो गया था, तो ये मैं अभी इसको ठीक से रखूँगी तो फिर से बाबू वही करेगा। और फिर मैं ये 2 बिंदी ली हूँ, ये देखिए इस टाइप का, और एक बिंदी मैं प्लेन भी ली हूँ, एक्चुअली मैं तो डेली यूज़ में प्लेन ही मतलब लगाती हूँ, तो वो प्लेन ली हूँ मैं। और फिर से बाबू
और फिर मैं ये लिक्विड सिंदूर ली हूँ। अच्छा वो सिंपल वाला उसने सिंदूर दिया नहीं, लिक्विड सिंदूर ली हूँ। अच्छा फिर मैं मंगवा लूँगी, वो सूखा वाला सिंदूर भी चाहिए था ना। फिर ये मैं नेल पेंट ली हूँ। एक्चुअली नेल पेंट मैं अपने हिसाब से ली हूँ, जो मेरा दोनों का कलर है लहंगा मैच करके मैं ली हूँ। ये फिर सेप्टेपिंग ली हूँ मैं। सो यही सब थोड़ा मोड़ा मतलब जो ज़रूरी का था वही, ये नहीं बेफालतू में इतना कुछ नहीं ले ली हूँ क्योंकि बेफालतू में इतना कुछ लेने का कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है। उसके बाद कि बाबू का जॉनसन्स बेबी सोप ली हूँ क्योंकि बाबू का साबुन एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो ख़त्म नहीं हुआ था मतलब थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन बचे होने से पहले तो बच्चे का चीज़ है तो पहले ही आना चाहिए ना। ये बाबू का सोप है। फिर ये शैम्पू राहुल जी यूज़ करते हैं, कभी वाटिका कभी डव कभी हेयर एंड शोल्डर, तो ये लिए हैं। और फिर बाबू का जॉनसन्स बेबी शैम्पू है, तो बाबू अभी यही यूज़ कर रहा है फिलहाल में भी। मैं उसको दूसरा कुछ यूज़ नहीं करवाई हूँ, बस इसमें थोड़ा छोटा मोटा सामान है। और फिर ये लिए गाइस हल्दीराम का चिप्स, चिप्स कह रही सॉरी हल्दीराम का भुजिया। और फिर ये कुछ चिप्स है, चिप्स मम्मा को निकालू। और फिर ये कुछ चिप्स ये दे दिया, चिप्स ये राहुल जी का ही काम होगा ये, तो ये मैं एक्चुअली ये दो मैं ले रही थी, मुझे ये चिप्स ना मैक्स अच्छा लगता है। ये आपको एक्चुअली उल्टा दिख रहा होगा, मैं एक्चुअली सेल्फी कैमरे से वीडियो क्लिप ले रही हूँ ना, तो ये चिप्स मुझे अच्छा लगता है, ये स्टेप का ही अच्छा लगता है। ये तो रेड वाला चिप्स, ये इतना स्नैक्स एक्चुअली मैं घर में रखती हूँ। और फिर ये हल्दीराम भुजिया मैं ली हूँ। फिर ये एक और नमकीन मैं ली हूँ, ये मिक्सचर है हल्दीराम का खट्टा मीठा वाला जो आता है वो है ये। और फिर ये मैं अगर छोटा छोटा था पास्ता मसाला, तो ये पास्ता मसाला ली हूँ। ये एक फ्राइड राइस मसाला है, तो ये ली हूँ मैं। और फिर ये कुछ चॉकलेट्स हैं जो मैं, ये कुछ चॉकलेट्स ली हूँ। टिन पर्क है और एक मंच नट्स है, तो ये सब ली हूँ। और कुछ नहीं ज़्यादा, ये बाबू का बिस्किट ली हूँ। इसमें है बाबू का लैक्टोजिन बाबू का दूध है, सो इसमें। और ये सरसों तेल एक्चुअली ख़त्म हो गया था घर का किचन का, तो मैं सरसों तेल ले ली हूँ। तो गाइस अभी आज का शॉपिंग मेरा इतना ही है, और बाकी का जो भी है सो अब जो भी मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी वो मैं आपको दिखलाऊँगी। और मेरा अभी लहंगा का ब्लाउज आया नहीं है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये है मेरा कुछ छोटा मोटा तीज का तैयारी जो कि मैं कर चुकी हूँ, और अभी ज़्यादा कुछ मतलब लेना नहीं है, बहुत कम ही लेना है अभी कुछ नहीं। बेटा चॉकलेट फ्रिज में डाल देते हैं, तो मतलब यही सब है खरीदारी मेरी तीज का, छोटा सा कुछ खरीदारी। तो यही सब है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये कैसा लगा, चूड़ा कैसा लगा मेरा, सो बताइएगा प्लीज़ बताइएगा। तो यही सब है, अभी तो हम लोग डिनर करके नहीं आए हैं, नहीं आया डिनर करके क्या। ये बाबू दिखा रहा है, देखिए बाबू भी ब्लॉक कर रहा है। कौन सा दिखाओगे, ये वाला? ये देखिए ये बाबू लिया है। अच्छा और क्या दिखाओगे, ये ओके ओके, ये रिश्ते, ये भी बाबू लिया है। अच्छा ये भी बाबू लिया है, ओके गाइस। तो मैं आप लोग से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी थोड़ा ये सब जो सामान लाई हूँ उसको मैं सेट कर देती हूँ, फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर फटाफट बना ले लूँगी, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगी, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। अभी तो आई हूँ तो थक गई हूँ एक्चुअली मैं, रियली मैं कभी कभी हम कितना थक जाते हैं ना, यही सब सिचुएशन चल रहा है। चलिए ठीक है गाइस, तो मैं थोड़ी देर बात के बात करती हूँ, ओके। एक चीज़ आपको दिखाना भूल गई थी जो कि मैं आज ली हूँ, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको ये इसमें सेट करके दिखाती हूँ। नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट जानवी, ओके बाय।
फीवर 102 है अभी तक। अच्छा टीवी चल रहा है, आपको टीवी का आवाज आ रहा है? ओके सर, यस सर, हां सही है। अपने साथ राउंड्स पे लेके जाओ। ओके सर, मैं कमर बंद लूं अपने लहंगा पहनने के लिए। सो मैं तो पहन ही रहा हूं उसपे गाइस। हे गाइस, तो मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग ये मेरा हेलो का डायमंड करती हूं और फिर यहां से मैंने अपना नेक बैठा हुआ है पूरा कमर जो है पसंद आता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये तीज का शॉपिंग बस अभी इतना ही हुआ है, बाकी जो होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी।